अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह YouTube की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सिंबल आप कैसे कॉपी करेंगे। ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कमेंट्स में। तो कैसे हम कॉपी करेंगे, दो मेथड्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ YouTube डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन में कोई सिंबल है वो आप कॉपी कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले मेथड क्या है, आप लोगों ने इस मेथड के लिए प्ले स्टोर से यूनिवर्सल कॉपी का जो ऐप है ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो जस्ट इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पर आप लोगों ने ये सेटिंग करनी होती है, आप लोगों ने एक्टिवेट पर टैप करना होता है, और टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ स्क्रॉल कर लेना है और आ जाना है यूनिवर्सल कॉपी पर, और यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इनेबल कर लेना है, ठीक है जी। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को करना पड़ता है जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ बैक आ जाना है और फर्दर आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना है, या यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने डन कर लेना है, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल कॉपी हमारे पास एक्टिवेटेड है, आप देख सकते हैं। अब आप लोगों ने किस तरह का कॉपी करना है सिंबल्स को, तो आप लोगों ने लेट्स सपोज इस वीडियो पर आ गए हैं और डिस्क्रिप्शन को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने कॉपी करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, टॉप पर ये जो नोटिफिकेशन का बार होता है वहाँ पर आप लोगों के पास ये यूनिवर्सल कॉपी का ऑप्शन दिख रहा हो रहा है, आप लोगों ने इस पर टैप कर लेना होता है, और यहाँ पर एक यहाँ से ब्लू सा एक स्क्रीन आ जाएगा और ये कॉपी हो जाएगा। अब आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है जो कि आप लोगों ने कॉपी करना होता है, तो जस्ट मैं सिंबल के साथ ये मिडल नेम और लास्ट नेम, ये सर नेम भी कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आ जाना है, लेट सपोज मैं आ जाता हूँ और नोट पैड पर आ जाते हैं, और आप लोगों को मैं यहाँ दिखा लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मिडल नेम और लास्ट नेम के साथ मैंने सिंबल को कॉपी कर लिया, आप सिर्फ सिंबल को भी कॉपी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड के लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आ जाना है और यहाँ पर शेयर पर टैप करके आप लोगों ने कॉपी लिंक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है किसी भी ब्राउज़र में, तो जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ क्रोम, और यहाँ पर सर्च बार टॉप में मैं उसी लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ। और जो ही मैं पेस्ट कर लूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, गो पर टाइप करूँगा या एंटर कर लूँगा, और यहाँ पर मेरे पास ये वीडियो ओपन हो जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में जब चले जाए हम, तो यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके हमने टैप कर लेना है जिस चीज़ को हमने कॉपी करना है, जिस सिंबल को। तो यहाँ से भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट टैप करने से आ जाएगा कॉपी का ऑप्शन, और नोटपैड में ये भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से आप इस तरह कॉपी कर सकते हैं सिंबल्स को या पूरे डिस्क्रिप्शन को। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो, और ये थे दो मेथड जिसके ज़रिए आप सिंबल्स कॉपी कर सकते हैं फेसबुक के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। तो वाइंड अप करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।